हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भूगोल 120, यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, 20 प्रश्न रहेंगे। इस प्रश्न पत्र पर 3 घंटे का समय है। तो इसका पहला पार्ट आप लोगों को बताया था, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया था, खाली स्थान साथ में आपको सत्य और असत्य बताया गया था। तो इसमें आगे के पार्ट को इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करें। निम्नलिखित में किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर क्या जाएगा इसका? एशिया। मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है। साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, लोगों की सामाजिक स्थिति। उसके बाद है अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी आदि नाम है, ये बस्ती का नाम है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत ने अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर खाली स्थान पूछा गया है। तो भूगोल में किसी घटना का अध्ययन डैश ढंग से किया जाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है भौगोलिक, भौगोलिक। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ था? 18.15 करोड़। उसके बाद प्रोफेसर अमृत्य सेन डैश अर्थशास्त्री। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 3 खाली स्थान बता दिया। उसके बाद चौथा खाली स्थान है, कुनेन पौधे डैश के भाग से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर आपको क्या भरना पड़ेगा? छाल। आगरा डैश नदी के पर स्थित शहर है, तो यहाँ पर आगरा यमुना जाएगा। उसके बाद है चाय निर्यात भारत का डैश स्थान है, तो ये कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद बात करते हैं, एक शब्द एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखते हैं, पृथ्वी के भौतिक घटकों के नाम बताना है। भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, ये पृथ्वी के भौतिक घटक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे उत्प्रवास कहते हैं। UNDAP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो सभी को पता है भूमध्य सागरी क्षेत्र आएगा। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, किस श्रेणी को नगर कहते हैं? पर्यटन नगर कहलाता है ये। उसके बाद बात करते हैं आपका, मोटा अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती? रागी, ज्वार, बाजरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी पूछा गया था। तो इसका उत्तर आपका क्या आएगा? एशिया महाद्वीप। मानव विकास स्तर, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है आपका ग्रामीण बस्तियां, चना, झूम कृषि दिया गया। तो झूम कृषि का आपका क्या आएगा? भारत के पूर्वी राज्य आ जाएगा आपका इसका झूम कृषि का। चना आपका मध्य प्रदेश आ जाए। ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक क्रियाकलाप होगा। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये क्या होगा आपका? सत्य आएगा। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण बस्तियाँ कहलाती है, असत्य आएगा। UNTP द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त मानव विकास मापने के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है, सत्य आ जाएगा आपका। उसके बाद है आपका भोजन संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, ये असत्य होगा। गन्ना एक रोपण फसल है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपका अगला प्रश्न,
रट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा तो क्या है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, असंशोधित जन्मदर से क्या आशय है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की जनसंख्या को असंशोधित जन्मदर कहते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है। मानव विकास के चार स्तंभ बताने, समता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चार स्तंभ है। उसके बाद बात करते हैं आपका नौवां प्रश्न, प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो ऐसे समस्त व्यवसाय जिसके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों से सीधे भोजन वस्त्र आवास और अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है, टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं। और अगले सेक्शन पर पूरे 20 तक के पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।